अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्दी इजी कुकिंग। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स। तो इस वीडियो को शेयर करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। यह कहना गलत नहीं होगा कि अलसी मछली का नेमुल बदल है। मछली में भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है और फ्लैक्स सीड्स में भी, इसलिए जो मछली का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अलसी का इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। अलसी में ओमेगा 3 के साथ साथ फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस पाया जाता है। अलसी हमारे वजन को बढ़ने नहीं देती, ये जिस्म की चर्बी को पिघलाती है। यह हाजमा दुरुस्त करती है और कब्ज़ नहीं होने देती। अलसी खाने से बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। अलसी खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे दिल की बीमारी से बच सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। दिमाग की मर्ज में भी फ़ायदा देती है, कैंसर का मर्ज नहीं होने देती, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से जिस्म में मौजूद ख़राब मादे खारिज कर देती है। जोड़ों के दर्द के लिए में भी फ़ायदेमंद है। अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर इसे तेल में पका लिया जाए, फिर इसे छानकर बोतल में डाल लें और जोड़ों के दर्द के लिए मालिश करें। और यह तेल बालों में भी लगाया जा सकता है। बालों के लिए अलसी के बीज, कलवंजी और मेथरे, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लें। दही में या मेहंदी में 1 से 2 खाने की चम्मच घोल लें। इस मिक्सचर को सर पर लगाएं, इससे बाल घने, काले और चमकदार हो जाएंगे। अलसी के बीज ख्वातीन के लिए बहुत मुफीद हैं। ये ख्वातीन में इम्बैलेंस हॉर्मोन्स, माहवारी की खराबी और चेस्ट कैंसर से बचाते हैं। माहवारी के दिनों में इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलसी के बीज 1 से 2 खाने के चम्मच तक इस्तेमाल करें। इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अलसी के बीज 1 चम्मच रोज़ाना के सालन में डालें जा सकते हैं। इनका कहवा बना के पिया जा सकता है। सर्दियों में इन के लड्डू बनाकर खाए जा सकते हैं। अलसी के बीजों को 1 कढ़ाही में भूनकर फिर पीस कर रख लिया जाए और 1-1 चम्मच रोज़ाना का इस्तेमाल किया जाए। इससे हमें एनर्जी भी मिलेगी और फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।